राजस्थान के नए जिलों की घोषणा के बाद समूचे राजस्थान में हलचल मची हुई है। वहीं सरहदी जिले बाड़मेर में भी इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बाड़मेर के शेरवा में सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि चौटन विधानसभा क्षेत्र के शेरवा उपखंड क्षेत्र को सांचौर में सम्मिलित करने के लिए प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से शेरवा को बाड़मेर जिले में ही रखने के लिए निवेदन किया। डॉक्टर नूर अहमद ने बताया कि शेरवा क्षेत्र बाड़मेर जिला मुख्यालय से नजदीक है, आम जन का बाड़मेर में ही आना जाना रहता है। वहीं कांग्रेस यूथ महासचिव नवाज दर्श ने बताया कि शेरवा उपखंड क्षेत्र को सांचौर में सम्मिलित करने की चर्चाओं को लेकर सैकड़ों लोगों ने ज्ञापन देकर शेरवा को बाड़मेर में यथावत रखने की मांग की है। यदि सांचौर में सम्मिलित किया जाता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रिंट मीडिया से और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चर्चाएं सुनने में आ रही थी कि जो शेरवा उपखंड के कुछ गांवों को, कुछ इलाके को सांचौर उपखंड के अंदर, सांचौर जो नया जिला क्रिएट हुआ है उसके मिलाने की जो चर्चाएं चल रही थी, इसलिए हमने एसडीएम उपखंड शेरवा की मार्फत सीएम साहब से ज्ञापन के जरिए एक निवेदन किया है कि हम लोग सांचौर में जाना नहीं चाहते हैं, हमें यथावत बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए। सारे लोगों की ये भावना है, इन भावनाओं का कदर करते हुए हमारी इस छोटी सी डिमांड को कंसीडर किया जाए और हमें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यथावत रखा जाए। पूर्व में जो बाड़मेर जिले में शेरवा धन भागिनिया पंचायत समिति है उनको यथावत बाड़मेर रखा जाए, नवनिर्मित जिले सांचौर में नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ की आवाम की एक मांग है, वो पूर्व में बाड़मेर रहना पसंद करते और हम सीमावर्ती जिले के जो तमाम शेरवा और भागिनिया के लोग हैं वो आज एकत्रित होकर एक संदेश देना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब हमें यथावत बाड़मेर रखने की कृपा करें। इस दौरान शेरवा प्रधान रमेश कुमार भील, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीन मोहम्मद, कालू खान, सरपंच प्रतिनिधि हैदर अली, ईसाक खान, भील समाज अध्यक्ष गुणेशाराम, मनोहर बिश्नोई, नेपाल सिंह कार्टिया, गणेशाराम सारण, एडवोकेट दोस्त मोहम्मद, नजर अली चिचरासर सहित कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे।